अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कच्चे आम का जैम बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइज के कच्चे आम लिए हैं। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए, दोनों कच्चे आम का मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। तो इसे छीलने के बाद हम इसे रफली काट लेंगे। इसके हमें छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं। तो चलिए, दोनों कच्चे आम को मैंने काट लिया है, तो अब हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। तो इसमें हम ये सारे कच्चे आम के पीसेस डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जो कि मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूंगी। तो ये कच्चे आम डूब जाए, बस इतना पानी हमें इसमें ऐड कर देना है। तो ये मैंने 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया। तो अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देनी है और इसकी लीड को हम बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे कुक करते हुए, तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये गल गए हैं अच्छे से। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह से मैश कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगे, तो इसको हम छानकर इसका पल्प निकाल लेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसे आप पहले थोड़ा ठंडा कर लें और उसके बाद इसे ब्लेंडर में डाल के आप इसे ग्राइंड कर लें अच्छे से, या फिर इस तरह से हैंड मिक्सी से पीस कर भी आप इसका पल्प तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड मिक्सी नहीं है, तो फिर बेस्ट होगा आप इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। तो ये देखिए, ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो हमें इसे एक दफ़ा अच्छे से छान लेना है। अगर इसमें कोई मोटा पीस रह गया होगा कच्चे आम का, तो वो निकल जाएगा। तो ये कच्चे आम के पल्प को मैंने एक दफ़ा अच्छे से छान लिया है, तो इसे हम उसी कढ़ाई में दोबारा डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे। तो ये चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप। तो जितना हमारा पल्प होगा, उतनी हमें चीनी इसमें ऐड करनी है। तो इस पल्प को मैंने मेजर कर लिया था, ये 1.5 कप पल्प हमारा निकला है, तो इसलिए मैं इसमें 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे कुक करना है। जैसा जैसा ये पकने लगेगा, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और चीनी के साथ ही हम इसमें ये दालचीनी की स्टिक ऐड कर देंगे। तो इसे कुछ देर पकाने के बाद जो चीनी है वो डिसॉल्व हो गई है और देखिए, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, जो कि मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे जैम का कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो कच्चे आम होते हैं वो ग्रीन कलर के ही होते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। आप फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है और इसे इतना पकाना है कि जब तक ये जमने की कंडीशन में नहीं आ जाता। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गया है मुझे इसे पकाते हुए। तो ये अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें अब हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो कंटिन्यू इसमें चम्मच हमें चलाते रहना है, क्योंकि ये तले में चिपक कर जल भी सकता है। तो इसे कितना पकाना है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, क्योंकि इसे आपने ज़्यादा पका दिया तो फिर ये हार्ड हो जाएगा, और अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो फिर ये जैम जो है वो जमेगा नहीं। तो इसको कितना पकाना है, उस बात को भी आपने ध्यान में रखनी है। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। और इसे किस तरह से चेक करना है कि ये सही तरह से पका है या नहीं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो कोई भी एक प्लेट हमें ले लेनी है और इसमें ये थोड़ा सा जैम हम डाल देंगे। तो बस थोड़ा सा वेट हमें करना है, और जब इस तरह से हम प्लेट करेंगे, तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए और ये बहकर नीचे नहीं आना चाहिए। तो इस बात को आपने ध्यान में रखनी है, जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये प्लेट में ही थोड़ा सा जम जाएगा। तो ये अभी रेडी हो चुका है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और किसी साफ सुथरे कांच के जार में हम इसे डाल देंगे। जार में पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। जार को हमें अच्छे से साफ कर लेना है और फिर हम इसमें सारा जैम डाल देंगे। तो इसे हमें ठंडा नहीं करना है, गरम गरम रहने तक ही हमें इसे जार में डाल देना है, वरना ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये कढ़ाई में ही जम जाएगा।
तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा खट्टा मीठा कैरी का यानी कि कच्चे आम का जैम हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसे ब्रेड पर या फिर रोटी पर लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल तरीके से हमने इसे बनाया है। आप इसे बच्चों के लिए भी टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी कच्चे आम का खट्टा मीठा जैम। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। फरीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।